नमस्कार, आरएचएमई की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर और जिसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के ऊपर। ये इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये है कि जब आपके सामने कोई पेशेंट ऐसा आता है जो कि अनकॉन्शियस है, जिसको रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, मतलब उसकी सांस नहीं आ रही, उसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही है, तो ऐसे पेशेंट को कैसे प्राइमरी समय में आप वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखेंगे, उसके सिस्टम को दोबारा से मेंटेन करने में, दोबारा से रिवाइव करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है जिसको हम CPR भी बोलते हैं, उसको किस प्रकार से आप करेंगे, कैसे उस पेशेंट को रिकवर करके रिकवरी पोजिशन में कैसे हॉस्पिटल तक शिफ्ट करेंगे, कैसे एम्बुलेंस को बुलाएंगे, किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है जब इस प्रकार का पेशेंट आपके सामने आता है, इन सब चीज़ों में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक बहुत क्रूशियल वीडियो है क्योंकि इसमें वो 5-10 मिनट वो इतने क्रूशियल होते हैं कि अगर आपने उस पेशेंट को उस टाइम पे प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो पेशेंट को रिवाइव करने में आसानी रहेगी, नहीं तो पेशेंट परमानेंट ब्रेन डेड तक चला जाता है, इवन कोमा में चला जाता है, और जिस पेशेंट को वो कम्प्लीटली बेड रिडन रहता है, बेड पे ही पड़ा रहता है, लाइफ लॉन्ग ऐसे रहता है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर आदमी को आनी चाहिए, जब भी उसके सामने इस प्रकार का पेशेंट आता है उसको मैनेज करना प्रॉपर उसको समझने में आना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे हम ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है और किस प्रकार से इन पेशेंटों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना है। अब हम सबसे पहले हम समझते हैं कि जब आपके सामने कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपके सामने कोई अनकॉन्शियस पेशेंट या अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको चिल्लाते हुए, उसको थपथपाते हुए पूछना है कि क्या हो, कैसे हो, कोई बाबा है तो बाबा के नाम से उसको, या लेडी है कोई लेडी के नाम से, अगर नाम नहीं पता है तो माता जी कैसी हैं, बहन जी कैसी हैं, तो मतलब उसको खटखटा के उसको पूछेंगे क्या वो जागरूक है, क्या वो कॉन्शियस है या वो अनकॉन्शियस है। तो ये एक चीज़ है कि जो उसको अवेयर करेगी पेशेंट को कि हाँ मुझे उठना है। कभी मान लीजिए कोई धमक से पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया शुगर कम होने की वजह से, तो अगर लाउड नॉइज पे वो रिस्पॉन्स कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता इसका मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव है, उसमें कॉन्शियस लेवल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट की तीन चीज़ें देखेंगे, लुक, लिसन एंड फील। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें ये चेक करना है कि क्या पेशेंट सांस ले रहा है, क्या पेशेंट की दिल की धड़कन चल रही है। अगर सांस ले रहा है, दिल की धड़कन चल रही है तो पेशेंट ठीक है, उसको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आपने पेशेंट को मिले हैं उस टाइम पे अगर उसकी सांस नहीं चल रही, उसको हार्ट रेट नहीं चल रहा, हार्ट बीटिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो 5-10 मिनट में अगर पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिला उनकी हार्ट को, उनके ब्रेन को, तो उनका हार्ट और ब्रेन जो है कम्प्लीटली परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसको रिकवर करने में, रिवाइव करने में आप नहीं कर पाते और मुश्किलें आती हैं। तो हमें सबसे पहले यही याद रखना है कि सबसे पहले पेशेंट को ये चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, तो उसको खटखटाते हुए, उसको आवाज़ तेज लेके उसको चेक करना है कि पेशेंट है। क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसका हार्ट भी चल रहा होगा, उसकी रेस्पिरेशन भी आ रही होगी। अगर वो अनकॉन्शियस है तो हमें सबसे पहले उसकी चेक करनी है कि उसकी ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ब्रीदिंग आ रही है नहीं आ रही है, उस पर सबसे पहले तीन पॉइंट्स हैं कि लुक, हमें देखना है उसकी चेस्ट मूवमेंट के एक्सपेंशन और नीचे को, मतलब उसकी छाती के ऊपर उठने को और नीचे गिरने को हमें चेक करना है। इसमें क्या है कि छाती की राइजिंग एंड फॉलिंग को चेक करना है सबसे पहला, तो ये प्रायोरिटी है। लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं हमें ठीक से क्लियर हो रहा तो हमें अपने मुंह कान को उसके मुंह की तरफ ले जाके उसकी सांस को सुनना है, माउथ या नोज की तरफ जाके उसकी ब्रेथ साउंड को सुनना है कि उसकी सांस की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पेशेंट को सांस की आवाज आ रही है इसका मतलब उसकी हार्ट भी काम कर रहा होगा, क्योंकि कभी भी सांस जो है बिना कार्डियक सपोर्ट के काम नहीं करती। अगर पेशेंट का हार्ट पंपिंग हो रही है तभी पेशेंट सांस ले पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पेशेंट को ब्रीथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ब्रीथ में सबसे पहले हमने चेक किया कि राइजिंग एंड फॉलिंग है कि नहीं है। दूसरा, हमने अगर उसमें हमें कन्फ्यूजन है तो पेशेंट को आप कान को उसके नाक और मुँह के पास ला के चेक करें कि पेशेंट को ब्रीदिंग साउंड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं।
तीसरा क्या है कि पेशेंट को आप चेक करना है कि अपने चीक को उसके नाक और मुंह की तरफ लाके 10 सेकंड तक कि अगर कोई सांस की जो हवा है आपके चीक्स को टच करती है कि नहीं करती, अगर टच कर रही है तो पेशेंट ब्रीथ कर रहा है। तो ये 10 सेकंड तक हमें मॉनिटर करना है। इन तीन चीजों को हमें ध्यान दे के देखना है, क्योंकि ये तीन चीजें ही हैं जो हमें इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट जो है ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यही इंडिकेशन है कि अगर ब्रेथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की कार्डियक फंक्शंस को भी चेक करना है। और उसके पैसे पहले एक हम पेशेंट को एक रेस्पिरेटरी सपोर्ट करने के लिए रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, जो कि एक उसको सपोर्ट सिस्टम है कि पेशेंट अगर सांस नहीं ले रहा तो उसको रेस्क्यू ब्रेथ देके उसको इनिशिएट करेंगे कि वो सांस ले। कभी कभार क्या होता है, कोई फूड पार्टिकल उसके सांस की नली में अटक जाता है, कभी कभार क्या होता है स्पैज़म की वजह से सांस नहीं ले पाता। तो कभी कभार इस प्रकार की जो रेस्क्यू ब्रेथ है पेशेंट को सांस लेने में मदद कर सकती है और पेशेंट को रिवाइव करने में हेल्प करती है। तो रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, वो कैसे देंगे हम अगली स्लाइड में समझते हैं। तो इस स्लाइड में हमारा बस मेन कंसर्न यही है कि सबसे पहले चेक करना है अनकॉन्शियस है कि कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस है तो थपथपाना है, चिल्लाना है, पूछना है कि भाई क्या हो, कैसे हो। उसके बाद फिर उसकी ब्रेथ को चेक करना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। उसमें लुक है, लिसन है और फील, वही कि लुक मतलब राइज एंड फॉल, लिसन मतलब उसकी आवाज़ को सुनना है सांस की आवाज़ को, और फील मतलब उसकी सांस की जो फीलिंग है मतलब उसकी हवा जो है चीक्स पर जब लगती है तो उसको फील करना है। तो इन तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं, कि अगर हम जब ये क्लियर हैं कि पेशेंट को सांस नहीं मिल रही है तो रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं वो हमें समझना है। कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट के सांस के नली को उसको खोलना है। कभी कई बार क्या होता है कि कुछ सांस की नली प्रॉपरली अलाइन ना होके आप अगर जब ब्रेथ देते हैं वो प्रॉपरली ब्रेथ नहीं पहुँचती है। तो रेस्क्यू ब्रेथ में सबसे पहले क्या करना है कि हेड को टिल्ट करना है, मतलब उसकी गर्दन को पीछे की तरफ खींच के उसको नॉर्मल लाइन करना है और चिन को थोड़ा लिफ्ट करना है ताकि एयरवे जो है वो प्रॉपरली हो जाए। तो हमारा मेन क्या है, हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है। ये मैन्यूवर जो है हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पेशेंट को थोड़ा सा सर को एक्सटेंड करके रखना है और चिन को थोड़ा लिफ्ट करना है ताकि पेशेंट को एयरवे जो है प्रॉपरली हो। और फिर उसके बाद जो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एक तरीका है जो हम देते हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कभी कभार क्या है कि आप प्रॉपर एक शीट लगा के पेशेंट को ब्रेथ दे सकते हैं, किसी टिश्यू पेपर को लगा के या कपड़े को लगा के इस तरह से ब्रेथ दे सकते हैं। अगर कोई मास्क अवेलेबल है तो मास्क को लगा के, लेकिन हवा अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखेंगे, माउथ टू ब्राउथ वे कवर द पर्सन, उसको हमें प्रॉपर सील करके रखना है ताकि पेशेंट को जो भी हम हवा दे रहे हैं वो उसके एयरवेज में जाए ताकि उसके चेस्ट का जो एक्सपेंशन हो। मेन चीज़ क्या है कि पेशेंट के चेस्ट के एक्सपेंशन को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सांस दे रहे हैं क्या उसकी छाती रेज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो वो जो रेस्क्यू ब्रेथ आपने दी है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब आप रेस्क्यू पेशेंट को ब्रेथ दे रहे हैं तो पेशेंट की चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि दो ब्रेथ जो है वो हमेशा ईच टाइम देनी है, एटलीस्ट फॉर 1 सेकेंड, अगर मतलब दो ब्रेथ देके फिर छोड़ देना है, फिर दो ब्रेथ देनी फिर छोड़ देना है, इस प्रकार से ये चलेगा। तो उस प्रकार से चेस्ट राइज को हमें देखना है और इस प्रकार से अगर 1 सेकेंड के इंटरवल में दो दो ब्रेथ के अगर आपने दो बार दे दिए फिर अगर भी तब भी पेशेंट की जो ब्रीदिंग है अगर प्रॉपरली नहीं आती है तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये चेक करना है कि पेशेंट की जो हार्ट बीट है या पेशेंट के कार्डिक फंक्शंस है भी कि नहीं है। इसी तरीके से हम इस तरह से सिक्वेंशियल चलेंगे। तो सबसे पहले हमने पेशेंट का कॉन्शियसनेस चेक किया, उसके बाद फिर हमने चेक किया कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब नहीं ब्रीथ कर रहा है तो हम पेशेंट को दो रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। दो रेस्क्यू ब्रेथ देने का तरीका हमने आपको क्लियर किया कि पेशेंट को हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है ताकि सांस जो है जो हम आपको देने वाले वो प्रॉपर उसके लंग्स के अंदर जाए। तो दो ब्रेथ देनी है, उसका 1 सेकेंड का इंटरवल देना है, फिर दो ब्रेथ देनी है। इस प्रकार से दो दो ब्रेथ के दे के फिर पेशेंट की चेक करेंगे कि वही लुक फील करेंगे प्रॉपर कि पेशेंट के जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेशेंट नॉर्मली अपनी ब्रेथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो फिर पेशेंट की हम चेक करेंगे कि उसकी कार्डियक फंक्शंस कैसे हैं, क्या उसकी हार्ट की पंपिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि उसको किस तरह से एनालिसिस करना है। अब आपने जब रेस्क्यू ब्रेथ पेशेंट को दी, रेस्क्यू ब्रेथ देने के बाद अगर पेशेंट की जो चेस्ट मूवमेंट है या रेस्पिरेशन अगर वापस नहीं आया तो आपको चेक करना है कि पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटी है कि नहीं है। उसको चेक करने का तरीका ये है, मतलब आपकी जो है इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है, ये तो दोनों फिंगर है, उसको आपकी जो विंड पाइप है जो आपकी सांस की नली है आपको गर्दन पेशेंट की ऐसे करनी है,
और इन दोनों उंगली से विंड पाइप के ऊपर कंप्रेस करना है। जैसे आप कंप्रेस करेंगे तो वहां पे एक पल्स होती है जिसको कैरोटिड पल्स बोलती है, जो यहाँ पे होती है। उसको जैसे ही आप दबाएंगे उसमें बीटिंग महसूस होगी, आपको धड़कन महसूस होगी, आपको फील होगा कुछ चीज जो है वो धड़क रही है, कुछ चीज ऊपर नीचे हो रही है। तो वो कैरोटिड पल्स होती है जिसको आप करीब करीब 15 सेकंड तक फील करेंगे और काउंट करेंगे कि वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। उसी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है। मेन कंसर्न क्या है, हमें ये चेक करना है इससे कि क्या आपका हार्ट जो है वो पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को फिर कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन की तरफ जाना है। अगर कर रहा है तो पेशेंट को रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। रेस्क्यू ब्रेथ देके आप पेशेंट की सांस को वापस नॉर्मल लाने में मदद कर सकते हैं। तो यही हमारा मेन कंसर्न है कि सबसे पहले हमने कॉन्शियस लेवल चेक किया, उसके बाद ब्रीदिंग चेक करी, फिर पेशेंट को ब्रीदिंग अगर नहीं आ रही तो रेस्क्यू ब्रेथ दी। रेस्क्यू ब्रेथ देने के बाद पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं आई तो हमने फिर चेक किया कि क्या उसकी दिल की धड़कन या दिल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कि हम कैरोटिड पल्स को चेक करके किया, जो कि हम 15 सेकंड उसको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लगा के गर्दन पे हम चेक करेंगे कि क्या उसकी हार्ट की जो पंपिंग है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है हम अपनी उंगलियों की जो पल्सेस को खुद ही हमने फील कर लेते हैं और हमें लगता है कि उसको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कॉन्फिडेंटली हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या वो कैरोटिड जो पल्स है वो है या नहीं है। कभी कभार हम अपनी पल्स को ही फील करने लग जाते हैं और हम फील आता है कि हाँ ये है, ऐसा नहीं है। और कैरोटिड ही पल्स इसलिए क्योंकि कभी कभार जब पेशेंट का बीपी कम होता है तो हाथ की जो पल्स है वो फील नहीं होती, तो इसीलिए कैरोटिड पल्स को चेक करना बहुत जरूरी है अगर ये रूल आउट करना है कि जो हार्ट है वो पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा तो पेशेंट को CPR करना है, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन करना है। और कैसे करना है, क्यों करना है, उस पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन जिसको CPR भी बोलते हैं उसको कैसे किया जाएगा, हम क्यों करते हैं CPR, जिससे CPR से पेशेंट को फायदा क्या होने वाला है उसको हम बारीकी से समझते हैं। जो आपका चेस्ट एरिया जो होता है इसके नीचे जो होता है आपका हार्ट होता है और चेस्ट और स्पाइन के बीच में आपका हार्ट फंसा हुआ होता है, मतलब हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों के बीच में आता है। तो जब आपके हार्ट की जो पंपिंग नहीं हो रही, हार्ट अपने आप पंप नहीं कर रहा है, तो हम आर्टिफिशियली पंप करने की कोशिश करते हैं बाय डूइंग CPR। CPR कैसे करते हैं उससे हम बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं ऐसा करने से फायदा क्या होना है। ऐसा फायदा ये होने वाला है जब आप प्रेस करते हैं आपके स्टर्नम को, आपके चेस्ट वॉल को, उससे होता क्या है कि आपका जो हार्ट जो अंदर दबा हुआ है वो बार बार कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है, कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है। उसकी वजह से जो ब्लड है वो लंग्स के थ्रू हार्ट में, हार्ट के थ्रू फिर पूरी बॉडी में जाता है, जो कि आपकी ब्रेन तक खून के फ्लो को मेंटेन करता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, ताकि वो जो क्रूशियल टाइम है जिस टाइम पे आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा, उस हार्ट की पंपिंग को आप हाथ मैन्युअली मेंटेन करते हैं ताकि हार्ट की जो मसल्स है वहाँ तक खून पहुँचाए, आपके ब्रेन तक खून पहुँचाए, ताकि एक पेशेंट जो है रिकवरेबल कंडीशन में मेंटेन किया जा सके। तो कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन उन पेशेंट्स में करना बहुत ज़रूरी है जो कि अनकॉन्शियस है, जिसको ब्रीथ नहीं आ रही, जिसको हार्ट पंप नहीं कर रहा, जिसको मतलब आप एक तरीके से कहते हैं कि उसका रेस्पिरेशन भी अरेस्ट हो गया है, उसका कार्डियक फंक्शन भी अरेस्ट हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को CPR करना ज़रूरी है। तो CPR में सबसे पहले चीज़ ये है कि हम जो भी प्रेस करेंगे उसका जो पॉइंट है वो ये है कि जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स के बीच में जो आपकी ये हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, उसके हल्का सा नीचे इस जगह पे हमें CPR करना है। कैसे करना है उसको हम बात करते हैं अभी। CPR में 3 तरीके हैं जिसको हमें ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए एडल्ट है, बुजुर्ग मतलब बड़ा आदमी है जिसकी उम्र जो मान लीजिए 4 से 5 साल से ऊपर है, तो उनको किस तरह से करना है CPR, और अगर बच्चा है जिसकी जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसको CPR कैसे करना है, और कोई इन्फेंट है जिसकी एज 1 ईयर से कम है उसको कैसे करना है। तो इन 3 चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट के ऊपर। देखिए एडल्ट में क्या करना है कि ये जो आपका हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वो हमेशा आपके चेस्ट के ऊपर वॉल पे होगा, और दूसरे हाथ की जो उंगलियाँ हैं वो इस तरह से होंगी, और ये जो प्रेशर होगा वो पूरा का पूरा शोल्डर से आपके इस तरह से जाएगा। कभी भी इसको ऐसे नहीं करना, ये पूरा का पूरा इस तरह से होगा और इस तरह से प्रेशर होगा। तो ये जो है प्रेशर जो है 2 इंची का पूरा प्रेशर डालना है ताकि जो चेस्ट का जो एक्सपेंशन और रिट्रैक्शन है वो प्रॉपर हो, ताकि हार्ट जो है वो प्रॉपर कंप्रेस हो और रिलैक्स हो, ताकि पंपिंग जो है वो प्रॉपर हो। तो एडल्ट में हमेशा ध्यान रखना है हम दोनों हाथों से करेंगे।
जो बच्चे हैं उसमें केवल एक ही हाथ से काम होगा, एक ही हाथ से प्रेस करना है, और जो नियोनेट्स है या इन्फेंट्स है जो बच्चे हैं उसमें केवल टू फिंगर से प्रेस करना है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डेलिकेट होता है, आपकी दो उंगलियों से ही उसमें काम हो जाएगा। इसमें केवल 1.5 इंचीज का जो प्रेशर है वो साइज इंची डेप्थ में जाना है, इसमें केवल 2 इंची में जाना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से पेशेंट को अप एंड डाउन करना है। चेस्ट कंप्रेशन, जैसा हमने समझा कि किस प्रकार से चेस्ट कंप्रेशन करना है, अब चेस्ट कंप्रेशन के बाद हमें ये समझना है कि सीपीआर कैसे होता है। देखिए सीपीआर में जो तरीका ये है कि 30 बार हमें सीपीआर करना है, मतलब कार्डियो पल्मरी रिसस्टेशन करना है, और 2 बार हमें रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। 30 बार सीपीआर करना है, 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ, 30 बार सीपीआर, 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ, तो इस प्रकार का जो अल्टरनेट सीक्वेंस चलेगा। सीपीआर करने में जो 30 बार जो आप सीपीआर करते हैं, जो उसकी स्पीड है वो इस तरह से होगी कि 100 टाइम्स पर सेकंड पर मिनट के हिसाब से उसकी स्पीड होगी, मतलब उसकी गति इस तरह से होगी कि 100 टाइम्स आप एक मिनट में कर लें उस स्पीड से आपको करेंगे। लेकिन सीक्वेंस यही होगा कि 30 बार हम सीपीआर करेंगे, 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। तो अब मेन चीज ये है कि 30 बार आपने दबाया और 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ दी, फिर 30 बार दबाया, 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ दी, 30 बार दबाया, 2 बार रेस्क्यू दी। कोशिश ये करनी है कि अगर 2 लोग हैं तो एक सीपीआर करें, एक रेस्क्यू ब्रेथ दे, फिर जो थक गया है फिर दूसरा वाला करें, क्योंकि ये जो है ये बहुत फोर्सफुल प्रोसीजर है, इसमें जान लगती है। तो कभी कभार क्या होता है, आदमी के थकने की वजह से प्रॉपर सीपीआर नहीं होता। सीपीआर का जो मेन जो मोटिव यही है कि आप जब किसी को प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करने से क्या होता है, आपकी हार्ट जो है वो पंप करता है आर्टिफिशियली, ताकि ब्रेन तक और हार्ट की मसल्स तक ब्लड पहुंच जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए, न्यूट्रिशन पहुंच जाए, ताकि हार्ट की मसल्स और ब्रेन को डैमेज होने से हम बचा सकें और पेशेंट को रिवाइव करने में मदद करें। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का जो भी पेशेंट है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसको आप सीपीआर करना है, या पेशेंट जो अनस्टेबल है, उसको ये सब करने से पहले एक हेल्प जरूर कॉल कर दें। हेल्प कॉल करने का सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ ये है कि जब इतना सारा जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, हेल्प से क्या होगा, जब तक आप पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे तब तक, जब तक हेल्प अगर आपके पास आ जाएगी तो पेशेंट को रिकवर करने में मदद मिलेगी। क्योंकि एक डेफिनेटिव हेल्प तो आपको चाहिए, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है, पेशेंट को फर्दर जो आईवी कैनुला दगा के आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी दवाइयां, इमरजेंसी ड्रग्स, जितनी भी चीज़ें वो सब देनी है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को प्रॉपर हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करना है। तो जब भी आप पेशेंट इस प्रकार का देखें, सबसे पहले एक एम्बुलेंस को कॉल करें, या जो डेफिनेटिव जो डॉक्टर्स हैं जो आपके आसपास हैं या हॉस्पिटल है वहाँ कॉल करें, और फिर इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया सीक्वेंस की तरह कि पेशेंट को सीपीआर स्टार्ट कर दें। सीपीआर में बस वही है कि हमें 30:2 के रेशियो से चलना है, और स्पीड जो 30 की वो इस तरह से होगी कि 100 टाइम्स आप एक मिनट में आप कर लें। तो वही हमारा तरीका है जिस प्रकार से हम उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने का भी हमारा टारगेट यही है कि 1.5 इंची से 2 इंची का अंदर डेप्थ तक जाए, इतना हमें प्रेशर देना है, शोल्डर में प्रेशर रखना है। तो इस प्रकार से हम कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन करेंगे, जिससे पेशेंट की कंडीशन को हम इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। तो अब दोबारा से एक समरी कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा ये था कि हमने पेशेंट को देखना है, अनकॉन्शियस है तो हम चेक करेंगे कि पेशेंट की ब्रीथ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ब्रीथ नहीं आ रही तो पेशेंट को 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे 1 सेकेंड के इंटरवल पे। अगर रेस्क्यू ब्रेथ देने के बाद भी पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं आती है तो फिर हम उसकी कार्डिक फंक्शन को चेक करने के लिए कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। अगर कैरोटिड पल्स नहीं है तो पेशेंट का बेसिक लाइफ सपोर्ट मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन स्टार्ट कर देंगे। सीक्वेंस वही है, 30 बार फिर 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ, 30 बार कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रेथ, 30 बार कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रेथ। 30 कंप्रेशन का जो स्पीड है वो 100 के हिसाब से होगी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरह से आप सीक्वेंस करना है कि 1 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप 100 बार सीक्वेंस करें और उस स्पीड से आपको करना है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूर है, पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके रखेंगे, जैसे पिलो के ऊपर आप प्रैक्टिस करें ताकि आप किस प्रकार से प्रेस कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि जब इस प्रकार का एक्चुअल जब पेशेंट आएगा तो आपको क्या करना होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। और जिस भी कंडीशन में, मान लीजिए पेशेंट अगर स्टेबल है, कार्डियक फंक्शन वापस आ गए, रेस्पिरेटरी फंक्शंस आ गए हैं, तो पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन जिसको बोलते हैं, रिकमेंड पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसमें पेशेंट को रख के आप पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। रिकमेंड पोजीशन कैसी होती है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करते हैं। देखिए इसको हम रिकवरी पोजीशन भी बोलते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, रिकमेंड पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि पेशेंट को लेफ्ट साइड करवट लेके उसकी हेड को, हाथ को उसके सर के नीचे सपोर्ट देते हैं,
हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं ताकि उसका एयरवे ओपन रहे, घुटने को थोड़ा सा फ्लेक्स करके रखते हैं एक साइड को, जो कि पेशेंट को प्रॉपरली इस प्रकार की जो पोजीशन है उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। इस पोजीशन का फायदा ये है कि अगर मान लीजिए पेशेंट वॉमिटिंग करता भी है तो पेशेंट का जो लंग्स है वो लेफ्ट साइड में करवट लेने की वजह से लंग्स में एस्पिरेशन होने के चांसेस नहीं रहते, लंग्स के एयरवे मेंटेन करने में मदद करता है। और इस प्रकार से अगर पेशेंट शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट की सांस लेने में भी बेटर रहता है, पेशेंट को जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से जो लंग्स में एस्पिरेशन होने के चांसेस हैं वो भी मिनिमम रहते हैं, कोई भी गैस्ट्रिक सीक्रेशन है वो वॉमिट करके वो ट्रिकल आउट करके निकल जाता है। तो ये जो शिफ्ट है, इस तरह से आप पेशेंट को शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल में ताकि पेशेंट को रिकवर करने में मदद मिले। तो अब इसमें हमारा इस वीडियो का जो समरी है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव यही है, अनरेस्पॉन्सिव अनकॉन्शियस कोमा में जिसका कार्डियक फंक्शन रेस्पिरेटरी फंक्शन दोनों बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसे पेशेंट को टाइमली कैसे मैनेज करना है वो इस वीडियो में हमने बताया है। इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर किया गया है कि कार्डियक फंक्शन को वापस रिवाइव करने में, ब्रेन के फंक्शंस को रिवाइव करने में कार्डियोपल्मोनरी एसोसिएशन का क्या रोल है, कैसे आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लियरली बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि इसको आपको प्रॉपरली समझ में आए, क्योंकि इसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा क्रूशल वीडियो है जो कि हर बंदे को, हर आदमी को आना चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी भी पेशेंट को ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में बचाने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी पे। तब तक नमस्कार।